दोस्तों, क्या आपको भी इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ गई है? और अगर आप जो है कि परेशान हैं पैसे अरेंज करने के लिए, तो मैं एक ऐसी इमरजेंसी एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिसमें आप यहाँ पर 10 से 20 लाख रुपए का लोन लाइव अप्रूवल ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर आपको जो है कि बिना किसी सैलरी स्लिप के यहाँ पर ये वाला लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ओनली आप जो है कि यहाँ पर केवाईसी और स्टेटमेंट पर ये वाला लोन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं हमें जो है कि यहाँ पर 2 लाख रुपये का लोन अप्रूवल में मिला है, जिसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपये ले सकते हैं और मिनिमम हम जो है कि यहाँ पर 50,000 रुपये ले सकते हैं। अगर आपको कम अमाउंट की जरूरत है तो आप जो कि कम अमाउंट भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 मंथ का हमें जो कि यहाँ पर ईएमआई टेन्योर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे 18.75% हमारा पर एनम का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लग रहा है। इसका ईएमआई हम देखेंगे तो 7,306 रुपये हमारा ईएमआई है। यहाँ पर इसका मैंने फुल अप्लाई वीडियो बना रखा है, वीडियो में बने रहना। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कि पूरा डिटेल्स बता रखा है। ब्रेक डाउन आप देखेंगे कि प्रोसेसिंग फीस हमारा 4% जा रहा है, जो कि ज़्यादा है, बट ठीक है। अगर इमरजेंसी में चाहिए तो 8,500 हमारा प्रोसेसिंग फीस चल जाएगा, प्लस जीएसटी भी हमारा जो है कि यहाँ पर 1530 रुपये चला जाएगा। एक महीने की ईएमआई वो पहले से काट लेते हैं, यानी कि प्री ईएमआई का मतलब ये रहता है कि आपको जो है कि एक महीने के बाद अगले महीने से आपको जो है कि ईएमआई देना पड़ेगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ आपको कोई ईएमआई देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अप्लाई करना है तो वीडियो में बने रहना, और मैंने ए टू जेड तरीका और वीडियो का और एप्लीकेशन का नाम भी बताया है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। आपको IIFL एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, उसके बाद में आपको परमिशन देनी है। परमिशन यहाँ पर जो भी मांगता है वो सारी परमिशन आपको अलाउ कर देना है। परमिशन आपको जो है कि पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, या फिर आप जो है कि सबको अलाउ कर सकते हैं, वैसे तो सारी परमिशन मांगती है एप्लीकेशन। उसके बाद में आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, देन आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पास में एक OTP आएगा 4 डिजिट का, वो OTP आपको जो है कि यहाँ पर फिल करना है। देन आपको जो है कि यहाँ पर कंटिन्यू नीचे दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर सेट एमपिन करना होगा, यानी कि 4 डिजिट का आपको एमपिन सेट कर देना है, कोई भी आपका मनपसंद। तो हम जो है कि यहाँ पर 4 डिजिट का एमपिन यहाँ पर इंटर कर देते हैं। देख सकते हैं हमने जो कि एमपिन हमारा सक्सेसफुल हो गया। अगर आप चाहें तो फिंगरप्रिंट या फिर फेस रिकॉग्नाइजेशन इनेबल कर सकते हैं, हम नहीं करना चाहते, सिंपली हम स्किप एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपको जो है कि आपका एम पिन वापस से इंटर करना है, ताकि आप एप्लीकेशन में इंटर कर सकें। तो हम जो कि यहाँ पर एम पिन इंटर कर देते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं एम पिन सेट सक्सेसफुल आ गया है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको देनी होगी, जिसमें आपका जो है कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, ये सब कुछ देने के बाद में आपको जो नीचे कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको जो है कि आपको कुछ और डिटेल्स भी देनी है, जिसमें आपका पैन कार्ड नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आपको अच्छे से देख लेना है और इसमें इंटर कर देना है। देन आपको नीचे कंटिन्यू का बटन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, हमारे केस में यहाँ पर प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला है। तो प्री अप्रूव्ड ऑफर हमारे ऊपर जो है कि आपके सिविल स्कोर पर मैटर करता है। अगर आपको जो है कि यहाँ पर प्री अप्रूव नहीं मिलता तो आपको लोन ऑफर भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें जो है कि गो टू होम पर हम क्लिक करते हैं, आपको कुछ इस प्रकार इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है कि पर्सनल लोन अप्लाई करना है, तो पर्सनल लोन के सेक्शन में आपको जाना है। अगर आपको गोल्ड लोन वगैरह, बिजनेस लोन, यहाँ पर 3 प्रकार के लोन एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करती है, तो जिसमें हम जो है कि यहाँ पर आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना बता रहे हैं, तो सिंपली हम जो है कि यहाँ पर अप्लाई नो पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें आपको जो है कि आपका पैन कार्ड, उसके बाद में आपका ईमेल एड्रेस आपको इंटर करना होगा, ठीक है। तो हम जो है कि यहाँ पर ये सब कुछ फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में आपको जो कि पैन कार्ड की डिटेल्स फेच कर ली जाएगी। अगर सब कुछ सही है तो आपको जो कि यहाँ पर आई कन्फर्म पर क्लिक करना है, अदरवाइज चेंज पैन पर आपको क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबमिट करते हैं। उसके बाद में आपको जो है कि आपका पिन कोड नंबर डालना होगा, जब भी आपका एरिया का पिन कोड है, तो हम जो है कि हमारा पिन कोड डाल के सिंपली हम जो है कि यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में आपको जो है कि आपका फ़ोन नंबर आपको वेरिफिकेशन करना होगा, तो आपका मोबाइल नंबर आपको जो है कि यहाँ पर इंटर करके सिंपली आपको नीचे चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, सिंपली उस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको जो है सेंड OTP पर क्लिक करना है। आपके पास में 6 डिजिट का OTP आपको रिसीव होगा, वो आपको जो है कि यहाँ पर फिल करना है। आपका जो भी यहाँ पर OTP आता है वो यहाँ पर फिल करने के बाद में आपको जो है कि यहाँ पर क्रेडिट रिपोर्ट फेच कर ली जाती है, उसके हिसाब से आपको जो है कि यहाँ पर ऑफर दिया जाता है। बट उसके पहले आपको जो है कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें यहाँ पर आपको जो है कि एडिशनल मोबाइल नंबर मांग रहे हैं वो तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज आप जो है कि ऑप्शनल है इसको हटा भी सकते हैं। सिंपली हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद में हम देखते हैं हमारे जो है कि कौन कौन से एडिशनल इन्फॉर्मेशन और मांगते हैं। ये सिविल स्कोर का यहाँ पर फेच करते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एडिशनल इन्फो में आपको जो है कि यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स मांगी जाती है, सबको जो है कि यहाँ पर आपको अलाउ या फिर आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं, नॉन ऑफ द एबो वगैरह, ठीक है। ये सब कुछ फिल करने के बाद में आपको जो है कि सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ अपलोड योर बैंक स्टेटमेंट, आपको जो है कि यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन का आ जाएगा, हम जो कि एलिजिबल है।
तो सिंपली हम जो है यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, हमारे जो भी बैंक है वो बैंक यहाँ पर चूज़ करते हैं, SBI हमारी बैंक है, तो सिंपली हम जो है यहाँ पर SBI पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप जो कि बैंक स्टेटमेंट आपके नेट बैंकिंग से और आप बैंक स्टेटमेंट आपका जो कि PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। हम जो कि यहाँ पर नेट बैंकिंग से करेंगे तो हमारा जो कि यहाँ पर यूज़र नेम हम यहाँ पर फिल करेंगे, देन पासवर्ड, देन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन में आपको कैप्चा आपको वेरीफाई करना होगा सबसे पहले, देन आपको जो कि यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो है कि आपकी नेट बैंकिंग यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी आपके पास में, उससे पहले एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर फिल करना होगा, देन आपको जो है कि यहाँ पर आपका सबमिट कर देना है। ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत आसानी से यहाँ पर अपलोड हो जाती है नेट बैंकिंग से। अगर आप करना चाहें तो यहाँ से भी इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर आप जो कि PDF फाइल भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे जो है कि यहाँ पर सब कुछ फिल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है सब कुछ, हमारा बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड हो गया है, एप्लीकेशन इन प्रोसेस में हमारी। तो अब जो है कि थोड़ी देर वेट करना है, आपको बैंक नहीं जाना है, क्लोज नहीं करना है, और ना ही आपको जो है कि यहाँ से उठ के कहीं पर जाना है। थोड़ी देर वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें 2 लाख रुपए का लोन यहाँ पर ऑफर हुआ है। 2 लाख रुपए का लोन हम जो कि यहाँ से ले सकते हैं, आप जितना चाहे उतना यहाँ से ले सकते हैं, आपका कम लेना है तो कम भी ले सकते हैं। 2 लाख रुपए में हम जो है कि यहाँ पर 36 महीने की EMI और जो है कि 7,306 हमारी पर मंथ की EMI, उसके बाद में 18.75 हमारा पर एनम का हमारा जो है कि इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। नीचे आपको जो है कि डिसबर्सन अमाउंट ब्रेकडाउन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिसमें आप जो है कि यहाँ पर लोन सेंक्शन हमारा 2 लाख रुपए का हुआ है। उसके बाद में प्रोसेसिंग फीस हमारी 4% है, जिसमें 8,500 कटेगा, उस पर GST है तो 1510 वो अलग से, और प्री EMI हमारी जो है कि 2568 हमारी पहले से कट जाएगी। प्री EMI का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको जैसे आपने लोन लिया तो अगले महीने भी आपकी EMI नहीं आएगी, उससे अगले महीने आपकी EMI आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका PMI रहता है। अगर सब कुछ सही है तो हम जो है कि यहाँ पर अभी 2 लाख में से कुछ कम अमाउंट यहाँ पर लेके सिंपली मैं अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में आपको जो कि लोन डिटेल्स देनी है, जिसमें आप किस पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं, मेडिकल पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं, तो आपको जो कि वो फिल करना है। आपको सिंपली उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आपको देनी होगी, जिसमें आपका एजुकेशन आपको बताना है, फादर नेम आपको बताना है, मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, ऑक्यूपेशन आपको बताना है, आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड है, देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ फिल कर देते हैं, देन सबमिट पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद में आपको जो है कि आपका आधार नंबर वेरीफाई करना होगा डिजी लॉकर से, तो हम जो है कि यहाँ पर लिंक यूजिंग डिजी लॉकर पर क्लिक करते हैं। आप जो है कि चाहें तो यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पर लिंक करते हैं। तो आधार नंबर आपको फिल करना है, जो भी यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है यहाँ पर फिल करना है, देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो कि OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको फिल करना है, देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो है कि 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन यहाँ पर इंटर करना है, देन आपको जो है कि यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर आप फॉरगेट करना चाहते वो भी कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो KYC हमारे प्रोसेसिंग में है, और जो है कि थोड़ी देर वेट करना है आपको फिर से, देन हमारे जो रिडायरेक्ट किया जा रहा है, रिडायरेक्ट करने पर आपको जो है कि यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IFL टैक्स सेल्फी हमें एक सेल्फी देनी होगी। तो यहाँ पर आपको जो कि सेल्फी देने के बाद में यहाँ पर आप चाहें तो वापस से रिटेक पर क्लिक करके फिर से ले सकते हैं, या फिर अगर सही है तो सिंपली हम जो कि सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो कि आपका आधार नंबर से जो आपका एड्रेस भेज के लिए जाएगा वो आपको कंफर्म करना है। अगर सब कुछ सही है तो सिंपली आपको जो वापस से कंफर्म करना है, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो सिंपली आपको यस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो हम जो कि यहाँ पर यस पर क्लिक कर देते हैं। 5,000 का हम लोन ले रहे हैं, जिसमें EMI हमारे 183 रुपये पर मंथ आएगी, 18.75 पर एनम का हमारा जो कि इंटरेस्ट रेट लग रहा है, और 36 महीने की EMI हम करवा सकते हैं यहाँ से। अगर यहाँ पर कि आपको देखने को मिल जाएगा पूरा प्रोसेसिंग फीस में 826 रुपये हमारा लग रहा है, 64 रुपये हमारा जो कि प्री EMI का में जा रहा है। ठीक है, अगर ये सब कुछ सही है तो आपको नीचे एक और चेकबॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, एग्री बटन, उस पर आपको क्लिक करना है, देन आपको एग्री टू द लोन ऑफर पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो है कि आपके बैंक आपने जो सिलेक्ट की थी उसका आपको जो है IFSC कोड दिया जाएगा। अगर सब कुछ सही है तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर भी दिखा दिया जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर भी सही है तो सिंपली आपको कंफर्म में यानी कि सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो है कि पूरा आप प्रोसेस कर लेंगे, इसके बाद में आपको ऑटो डेबिट आपको सेट करना होगा, यानी कि EMI ऑटो डेबिट आप कर देंगे तो आपका जो है कि 1 से 2 घंटे में आपका पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो कि IFL से पर्सनल लोन अप्लाई करना है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में से पूछ लेना, या फिर आप जो है कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं आसानी से।